हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का बेसिक क्लास है कंप्यूटर का, एकदम बेसिक जो छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, एकदम बेसिकली वही जानकारी आपको मिलेगी। एकदम बेसिक से सीखेंगे, पहला पार्ट आपका रहेगा ये। और कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का पहला पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, डेस्कटॉप पे चलते हैं। और ये आपका, ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बनाया हूँ बहुत मेहनत कर। इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। पहले चलिए समझते हैं। देखिए ये जो तीर दिख रहा है, मेरा कर्सर है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मॉनिटर, ये पूरे को हम क्या बोलेंगे, मॉनिटर। जो दिख रहा है पूरे को हम क्या बोलेंगे, मॉनिटर। यहाँ पे लिखा गया भी है मॉनिटर, ठीक, यहाँ लिखा है मॉनिटर। उसके बाद लिखा गया है वर्क स्पेस, इसका नाम है मॉनिटर। ये पूरे को हम क्या बोलेंगे, जो LCD की तरह दिख रहा है, इसका नाम है मॉनिटर। और बीच में जो है हम काम करते हैं, टाइपिंग करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, जो भी होता है, जैसे हमने ये सब बनाया हूँ, तो इसको बीच वाला को क्या बोलेंगे हम, वर्क स्पेस, कार्य करने की जगह, वर्क स्पेस। ये हो गया, यहाँ तक हो गया आपका। और इसका क्या नाम है, मतलब कौन बनाया है इसको, कंप्यूटर। इसको सिंपली भाषा में बोलते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर को कौन बनाया है, चार्ल्स बैबेज। कहाँ के हैं वो, अमेरिका। यहाँ लिखा गया अमेरिका, चार्ल्स बैबेज अमेरिका, अमेरिका के रहने वाले हैं, जो है कि चार्ल्स बैबेज ने बनाया है कंप्यूटर को, ठीक। उसके बाद जो है आपका अगला है ये बटन। नीचे क्या है, बटन है। यहाँ पे जो देखिए बटन, पांच बटन है कंप्यूटर में। कितने बटन होते हैं, पांच, 1 2 3 4 5 है। तो पाँचों का नाम हमने दर्शाया हूँ। पहला वाला जो है देखिए ब्लू लाइन में, नीली लाइन में है, इसमें ऑन और ऑफ, इससे क्या किया जाता है, ऑन और ऑफ, बंद और चालू किया जाता है इससे, ठीक। और दो जो बटन है रेड वाली पट्टी में हमने खींच कर बनाया हूँ, यहाँ पे माइनस एंड प्लस, यहाँ दर्शाया हूँ ब्लू लाइन में ही है, ठीक, ब्लू में ही दर्शाए हैं, प्लस और माइनस दिख रहा है। और यहाँ वैल्यूम लिखा गया है, इसको क्या है, ये दोनों बटन दोनों का है, ठीक, दोनों में प्लस या माइनस, दोनों से हम क्या है वैल्यूम को माइनस प्लस घटा और बढ़ा सकते हैं, ठीक। ये दोनों बटन से क्या कर सकते हैं, माइनस प्लस बढ़ा और घटा सकते हैं। और इधर देखिए हरा लाइन जो है ग्रीन, यहाँ पे देखिए लिखा गया ब्राइटनेस, जिससे लाइट, जिसे बोलते हैं हम लोग लाइट बढ़ाना, माइनस एंड प्लस लिखा है दोनों ग्रीन लाइन के नीचे, माइनस एंड प्लस। यहाँ पे क्या है, माइनस एंड प्लस ब्राइटनेस लिखा गया है। ब्राइटनेस मीन्स होता है लाइट को कम और बेसिक करने के लिए, ठीक, प्लस से ज़्यादा, माइनस से प्लस, माइनस से कम होता है, ठीक। और ये हो गया आपका पूरा डेस्कटॉप के बारे में हमने बता दिया। इसमें पांच बटन होते हैं, इसका मॉनिटर नाम है, बीच वाला को वर्क स्पेस कहते हैं, और इसको, इसके पिता जो है चार्ल्स बैबेज है, और इसको एक तरीके का हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है, जिसको हम छू सकते हैं उसे हार्डवेयर। हाँ, ये LCD को हम लोग छू सकते हैं, सभी लोग जानते हैं कि छू सकते हैं, तो उसका क्या नाम है, हार्डवेयर। ये आपको अगले हम क्लास में बताएंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं CPU। CPU का देखिए ध्यान से, CPU बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये CPU का जो है। CPU मीन्स होता है क्या, फुल फॉर्म इसका होता है, यहाँ पे लिखा हूँ, देखिए आया लाइन पट्टी आई है, इसमें देखिए लिखा गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी CPU का फुल फॉर्म क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला जो है ये गोला बनाया गया, इसका नाम है, ये बटन है बनाई गई, ये गोला नहीं है, बटन है, ठीक, इसका नाम है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन, इससे हम चालू कर सकते हैं, ठीक, CPU को दबाएंगे तो इससे चालू होगा। और अगला क्या है, यहाँ पे जो रेड वाली पट्टी आई है, ये छोटी बटन है, ठीक, इसका नाम है रीस्टार्ट। जब भी कंप्यूटर हैंग कर रहा हो तो आप रीस्टार्ट दबाएंगे तो जहाँ से काम कर रहे थे वहीं पर डायरेक्ट खुलेगा, और स्टार्ट का मतलब शुरू से खुलेगा, ठीक। रीस्टार्ट और स्टार्ट, ये दो बटन होते हैं, बड़ी बटन का नाम है स्टार्ट, छोटी बटन का नाम है रीस्टार्ट। और ये जो दो ठो गोला है जो छोटा छोटा दिख रहा है, ये एयरफोन जैक होता है, जिससे हम गाना वगैरह सुनते हैं, म्यूजिक वगैरह, ठीक, एयरफोन जैक है, ये दोनों एयरफोन जैक है, ये भी और ये भी, दोनों, ठीक, ये दोनों दोनों को मैंने जोड़ दिया, ठीक, एयरफोन जैक है, ठीक। उसके बाद ये जो है दो ठो, ये USB जैक है। ये क्या, USB, जैसे हम चार्जर का USB यूज करते हैं चार्जिंग के लिए, उसी तरह इसमें हम कीबोर्ड और माउस को जोड़कर चलाने के लिए ये USB जैक लगा होता है, ठीक।
इससे कीबोर्ड और माउस को जोड़कर चलाया जाता है और भी अन्य डिवाइस को जोड़कर चलाया जाता है। ठीक, ये होता है यूएसबी जैक। सीपीयू में कितने रहते हैं? 4 2 6 ठो रहते हैं, 2 ठो आगे रहते हैं और 4 ठो इसके पीछे रहते हैं। ठीक, ये हो गया आपका 6 जैक पोर्ट होते हैं इसमें यूएसबी में, जैक 6 जैक पोर्ट। पोर्ट यहाँ पे भूल गए हैं, पोर्ट आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद आते हैं आगे, कंप्यूटर सीपीयू को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का दिमाग, यहाँ पे लिखा गया है कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। याद रहे कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। और यहाँ पे देख लेते हैं कंप्यूटर का फुल नेम, क्या क्या मिलाकर कंप्यूटर बनाया गया है ये भी ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए सी से है, COMPUTER यहाँ लिखा गया है। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर का मतलब मैंने लिख दिया हूँ, उसके बाद इसका पूरा नाम क्या है? सी से क्या होता है? कॉमन होता है, कॉमन लोग इससे चला सकते हैं, आम आदमी जिसे। ऑपरेट मीन्स चलाना, ऑपरेट मतलब चलाना होता है। ठीक, यम से क्या होगा? मशीन, यम से मशीन होगा। मशीन ये जो कंप्यूटर एक तरीके का मशीन है। पी से क्या है? पार्टिकुलर, इसे पार्टिकुलर भी कहा जाता है, एक तरीके का पार्टिकुलर है। यू से यूजर, जो चलाने वाला होता है उसको यूजर बोला जाता है। ठीक, टी से क्या होता है? टेक्नोलॉजी, इसमें अलग अलग तरीके का टेक्नोलॉजी, बहुत प्रकार का टेक्नोलॉजी है जिसे हम सर्च कर निकाल सकते हैं। ई से क्या होता है? एजुकेशन, इसमें बहुत तरीके का एजुकेशन है, जैसा चाहेंगे वैसा सर्च कर हम निकाल सकते हैं, कंप्यूटर से क्या है? एजुकेशन ले सकते हैं, अच्छी खासी एजुकेशन। आर से क्या होता है? रिसर्च, जो हम सर्च करते हैं ना गूगल पे चाहे यूट्यूब पे चाहे किसी चीज़ पे, तो आप इससे सर्च करके ले सकते हैं। ठीक, वही दिया है, आर से रिसर्च होता है ये है। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट करिएगा और अगला वीडियो ज़रूर बनाएंगे, अगला पार्ट बनेगा, ये पार्ट 1 है। आपको जो भी दिक्कत हो हमें कमेंट करिएगा और कुछ भी हो आप कमेंट करिए, हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। आज का क्लास इतना ही, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। गुड मॉर्निंग फ्रेंड ऑल ऑफ यू, आज का आप कंप्यूटर क्लास बेसिक क्लास है जो कि आप लोगों को MS पेंट में हम फिगर बनाकर दिखाएंगे और बताएंगे एकदम विस्तार से। चलिए अब चलते हैं डेस्कटॉप पे, और मैंने एक पार्ट 1 बना चुका हूँ, दूसरा पार्ट 2 बनाना है, जिसमें आज कीबोर्ड और माउस के बारे में जानेंगे और कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइस के नाम जानेंगे। ठीक, चलते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमने कीबोर्ड बना लेते हैं, ये देखिए कीबोर्ड बना रहे हैं हम, ये कीबोर्ड हो गया, इसकी हम थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं आप लोगों को दिखाई दे। ये कीबोर्ड हो गया आपका, और देखिए कीबोर्ड हम बना दे रहे हैं। कीबोर्ड में देखिए थोड़ा सा यहाँ से हम साइज पतला कर लेते हैं, बहुत मोटा हो जा रहा था, यहाँ से पतला कर लेते हैं और यहाँ से हटा देंगे। ये कीबोर्ड बना रहे हैं, देखिए कीबोर्ड बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें जान लीजिए कि इसमें बटन कितने होते हैं, 108 बटन होते हैं इसमें, 108 बटन होते हैं। ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड के पिता जो है क्रिस्टोफर लैथम सोलेज। कीबोर्ड के पिता जो है क्रिस्टोफर लैथम सोलेज, ये है कीबोर्ड के पिता। कीबोर्ड के पिता जो है क्रिस्टोफर लैथम सोलेज कीबोर्ड के पिता है। इसमें 102 से 108 बटन होते हैं, यहाँ दिख रहा है आपको 102 से 108 बटन होते हैं, और इसके पिता जो है क्रिस्टोफर लैथम सोलेज। इस सारे बटन, इसमें 7 तरीके का बटन होते हैं जो कि हम पहले पार्ट में बता दिए हैं, और ये बटन जो इसमें सारे का बटन का कार्य हम हर एक वीडियो में एक एक बटन का हम कार्य बताएंगे। कीबोर्ड के पिता बता दिए, कीबोर्ड एक हार्डवेयर डिवाइस है
जिसे छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहा जाता है, वो बताया गया है। और ये इनपुट है जिससे हम इनपुट कराते हैं, जिससे हम कोई भी लिखते हैं बटन से तो अंदर जाता है, यानी मॉनिटर के अंदर दिखाई देता है तो क्या हो रहा है, इन हो रहा है, उसके अंदर जा रहा है तो इन हो रहा है, मतलब इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस, एक तरीके का इनपुट डिवाइस है। और कीबोर्ड के पिता क्रिस्टोफर लैथम सोलेज हैं। अब देखिए माउस पे चलते हैं, माउस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और कीबोर्ड में देखिए, कीबोर्ड एक चीज़ और जान लीजिए, कीबोर्ड सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला डिवाइस जो होता है कीबोर्ड ही होता है। सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला डिवाइस क्या है, कीबोर्ड है। कीबोर्ड सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला डिवाइस कीबोर्ड है, ठीक है, याद रहे। अब ये देख लीजिए माउस है, ये देखिए माउस बन चुका है, ये देखिए माउस है, ये है माउस। माउस आपको बनकर तैयार हो गया है। अब माउस में देखिए कितने बटन होते हैं, अब देख लीजिए माउस में कितने होते हैं। पहले माउस के बारे में हम जान लेते हैं, माउस के पिता जो होते हैं, पिता जान लेते हैं। माउस के पिता होते हैं डगलस, डगलस डगलस एंजल बर्ड अमेरिका, ठीक, इसके पिता जो हैं अमेरिका, डगलस एंजल बर्ड अमेरिका के हैं जो है ये माउस के पिता जो है बनाने वाले जो है डगलस एंजल बर्ड अमेरिका के हैं। इसमें बटन होते हैं, देखिए बटन होते हैं लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट बटन होते हैं, ये लेफ्ट बटन है, ठीक, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो जाएगा आपका, देखिए ये राइट, ये राइट हो गया, देखिए लेफ्ट और राइट बटन होते हैं। और बीच में जो बटन होती है स्क्रॉल होती है, ये बीच की बटन जो होती है, ये बीच में जो बटन होती है इसका नाम होता है स्क्रॉल बार। इससे क्या होता है, पेज को ऊपर नीचे किया जाता है, पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल, स्क्रॉल, स्क्रॉल बटन जो भी है, स्क्रॉल बटन, ठीक है, होता है। लेफ्ट बटन सबसे पहले, लेफ्ट बटन होती है, लेफ्ट का क्या काम होता है, ओके करने के लिए बहुत सारा जितना भी काम होता है लेफ्ट से सबसे ज्यादा काम होता है, जिससे लेफ्ट हैंड से हम लोग ज्यादा काम करते हैं उसी तरह लेफ्ट बटन से इसमें काम करते हैं हम। और माउस राइट बटन से रिफ्रेश करना, मतलब बहुत कम यूज होता है राइट बटन का। और बीच वाला बटन का क्या होता है, सॉन्ग को ऊपर नीचे करने के लिए, पेज को ऊपर नीचे करने के लिए, मतलब हजारों सॉन्ग है उसको ऊपर नीचे करने के लिए ये स्क्रॉल बटन होता है, गोल जो होती है उसको हम घुमाते हैं इस तरह कर तो होता है, ठीक। और ये हो गया आपका ये कीबोर्ड और ये हो गया माउस, दोनों का फुल आपका जानकारी हो गया। और कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगला हम आपको बता रहे हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में हम बता दे रहे हैं आपको। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में जान लीजिए, कुछ हार्डवेयर डिवाइस के नाम और कुछ सॉफ्टवेयर डिवाइस के नाम। देखिए हार्डवेयर होता है, ठीक, हार्डवेयर, हार्डवेयर में देखिए हार्डवेयर में कौन कौन सा आएगा, हार्डवेयर में हम जान लेते हैं कौन कौन से आएगा, ठीक। हार्डवेयर में आपका ये चीज आ जाएगा, ये हार्डवेयर है, ठीक। इसमें हम बता रहे हैं हार्डवेयर, बहुत तरीके का हार्डवेयर डिवाइस होते हैं। पहला हो जाएगा आपका माउस, माउस, कीबोर्ड, कीबोर्ड, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा एलसीडी हो जाएगा, डीवीडी हो जाएगा, एलसीडी हो गया, डीवीडी हो गया, और उसके बाद हो जाएगा एलईडी हो जाएगा, एलईडी हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा टीवी भी हो जाएगा, उसके बाद आपका सीआरटी, एक नया मॉनिटर था सीआरटी मॉनिटर। तो हेलो गाइस, आप सब कैसे हो, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मैं आप लोग को एक ड्राइंग में बताते हैं, एक बनाए हुए हैं कंप्यूटर के, एक बेसिक सा क्लास है जिसमें हम सबसे पहले अपने ड्राइंग को पेंट करते हैं। आप सब देख सकते हो डेस्कटॉप पर, तो मैंने पेंट पर गया, पेंट पर जाने के बाद मैं पहले ऑलरेडी बना कर रख चुका हूँ, तो इस पर जाने के बाद मैं अपना
यहाँ पर सर्च करूँगा कि मेरा जो भी बनाए रहेंगे उस पर सर्च करेंगे तो दिखा देगा। तो मैं YouTube के नाम से बनाया हूँ, ये मेरा दिखा रहा है, तो आप सब देख सकते हो। ये मेरा डेस्कटॉप पर आप अच्छे तरह से देख सकते हो। ये मैं बोर्ड बनाया हूँ, ये बोर्ड है, ये मॉनिटर है, ये CPU है, ये स्पीकर है, ये माउस है, ये माउस है और ये कीबोर्ड है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि कीबोर्ड में 102 से 108 बटन होती हैं, माउस में 3 बटन होती हैं, एक लेफ़्ट एक राइट। ये वाला जो है ये हमारे लेफ़्ट होती है, ये जो होती है राइट। तो अधिकतर हम लोग लेफ़्ट का प्रयोग करते हैं, राइट का जो है कि रिफ्रेश करने के लिए होता है। ये जो बीच में दिख रहा है आप लोग को, ये जो बीच में दिख रहा है, ये बीच में जो है उससे मेरा स्क्रॉल होता है, इससे हमारा स्क्रॉल होता है। ये मेरा CPU है, CPU का सबसे पहला जो बटन है ये ओपन करने के लिए होता है, ये जो होता है री ओपन करने के लिए होता है। अचानक से मेरा जो कंप्यूटर होता है वो हैंग करने लगता है तो मेरा प्रोग्राम जो रहता है वो डिलीट हो जाता है, तो मैं इसको क्लिक करके पुनः उसको ला सकता हूँ। ये मेरा स्पीकर है जिससे हम सब म्यूजिक सुनते हैं। बस इतना ही आज के क्लास में, और टॉपिक अगले क्लास में।